ने 100 से 112 कर दिया है तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। और इसका परिणाम ये हुआ है कि आज हमारी 100 नंबर 112 करने के बाद ही बर्बाद हो गई है। न केवल इन्होंने व्यवस्थाएं बर्बाद की हैं बल्कि आगे बढ़ने के भी रास्ते बंद कर दिए हैं। इसलिए हम आप सबसे अपील करने आए हैं कि समाजवादियों ने न केवल उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया बल्कि हमारे पूर्वांचल का जो इलाका जो थोड़ा पिछड़ा रह जाता है उसको भी बराबर लाने के लिए हम लोगों ने विकास की योजनाएं पूर्वांचल तक पहुंचाई हैं। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं कि जहां विकास में आपको जोड़ेंगे वहीं आने वाले समय में जो सरकार बनने जा रही है अगर समाजवादियों को विशेष विकास के लिए योजनाएं चलानी पड़ी तो पूर्वांचल के इलाकों के लिए अपने किसान और नौजवानों के भविष्य को बेहतर करने के लिए विशेष योजनाएं चला करके इनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, सहयोग करिए और जो लोग हैं सत्ता में वो जान गए हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, वो ये स्वीकार कर चुके हैं कि 4 जून के बाद उनकी सरकार नहीं बनने जा रही है। इसीलिए उनकी भाषा बदल गई है, उनका व्यवहार बदल गया है। लखनऊ वाले तो लखनऊ वाले, दिल्ली वालों का भी भाषा बदल गई है। हम इन बीजेपी वालों को कहना चाहते हैं 4 जून के बाद न केवल मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल भी बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलने का काम होगा। और जो लोग 400 पार का नारा लगा रहे थे, अगर गणित समझोगे तो अब समझ में आएगा कि 400 पार का मतलब है कि 543 में अगर 400 सीटों के बाद जीतने का लक्ष्य रखा है तो बताओ 143 सीटें ही बनती हैं। अगर जिनको हिंदी समझ में आ रही होगी, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि अगर 400 पार का नारा दे रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ है कि 543 के बाद जितनी सीटें बची हैं उतनी ही जीतने जा रही हैं, तो 400 के बाद वाली सीटें केवल 143 हैं। लेकिन जिस तरह का गुस्सा जनता में है, 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी। कहीं सरकार नहीं बनने जा रही है। और जब से चुनाव उत्तर प्रदेश का बदला है, जब से उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने बढ़त पाई है, ये हमारे पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से घबरा गए हैं और साथ ही साथ सहयोगी दलों से भी घबरा गए हैं। तो क्या कहते हैं कि दो शहजादे वोट मांगने निकले हैं। हम उनको कहना चाहते हैं जो हम लोगों को दो शहजादे बोल रहे हैं, इस बार दोनों शहजादे मिलकर के शह तो दे ही रहे हैं आपको, लेकिन जब वोट पड़ेगा और परिणाम आएगा तो आप भी मात इन्हीं लोगों से खाओगे। शह तो दे दी, मात भी खाने जा रहे हो। इसलिए इस चुनाव में, जहां ये चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है, ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां चुनाव जनता ने अपने आप हाथ में ले लिया है, और जैसे चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है जनता हमारी लीडर के साथ साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। इसलिए आप सबसे हम गाजीपुर के लोगों से विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि आप लोग मदद करना, आप लोग सहयोग करना। और इधर देखने को मिल रहा है कि ये लोग हमारे वोट को रोकना चाहते हैं। कई जगह सुनने में आ रहा है कि जहां समाजवादियों का ठोस वोट है उसको रोक करके ये जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं ये गाजीपुर के लोग हैं,
ये डरने वाले नहीं हैं। इसलिए आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कहीं बीजेपी वाले रोकें तो कहीं आप रुक तो नहीं जाओगे? अगर आपको बूथ पे जाने से रोकें तो पीछे तो नहीं रह जाओगे? मैं जानता हूं यहां के लोग रास्ता निकाल लेते हैं कि बूथ पे कैसे पहुंचना है।